हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए। यह मंदिर मांडवे गांव में स्थित है, जो चित्तौड़ जिले में आता है, राजस्थान में। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे से अराउंड 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। उदयपुर से मंदिर का डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर्स है और चित्तौड़गढ़ से अराउंड 40 किलोमीटर पड़ता है। अभी हमारी गाड़ी के सामने से हिरण का एक झुंड निकला। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जब तक वो जंगल में कहीं भाग गया। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ पड़ता है, जिसका डिस्टेंस अराउंड 41 किलोमीटर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पड़ता है, जो उदयपुर में है। हम लोग दर्शन करने के लिए इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से सांवरिया सेठ मंदिर का डिस्टेंस 350 किलोमीटर पड़ता है और बीच बीच में रास्ते में प्रॉपर डायरेक्शन के लिए बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं। मंदिर के आसपास के एरिया में बहुत आसानी से होटल और लॉज वगैरह मिल जाते हैं। हम लोगों ने भी पहले से कोई बुकिंग नहीं कराया था, अभी ये होटल बुक किया है। देखते हैं अंदर कैसा है और फ्रेश वेश होकर के निकलते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर के। हम लोग भी रेडी हो गए दर्शन करने के लिए और ये देखिए सामने मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ डायरेक्शन के लिए बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर जाने का रोड इधर से है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कितनी भीड़ है मंदिर में दर्शन की। बीच में यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी है, जिसमें टॉयज है और दूसरे सामान वगैरह भी है और प्रसाद की शॉप्स वगैरह भी है। अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। बीच में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मंदिर बंद होता है। भीड़ देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए हैं। मंदिर के एंट्री के लिए ये मेन गेट है, देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष की अलग अलग लाइन लगी हुई है और पता नहीं शायद अंदर कुछ पूजा या श्रृंगार चल रहा है, जिस वजह से एंट्री बंद है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग भी दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं, देखते हैं कब नंबर आता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद हम लोगों को मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री मिल गई है। पीछे कुछ आंटियाँ भजन गाते हुए मेन गेट है। यहाँ से मंदिर पूरा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर 450 साल पुराना है, पर अभी अभी इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है। ये मेन मंदिर में प्रवेश गेट है, ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ तेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।